वेलकम करता हूं दोस्त व्हाट्सअप के नए वीडियो के साथ। तो फाइनली यहां पर जो बातें करने वाले हैं, आप अपने किसी भी दोस्त का व्हाट्सअप या फिर आपके गर्लफ्रेंड का व्हाट्सअप या किसी का भी व्हाट्सअप आप अपने फ़ोन में बिना ओटीपी की मदद से लॉगिन कैसे कर सकती हो, मतलब दूसरे का व्हाट्सअप आप अपने फ़ोन में कैसे चला सकती हो, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बिना ओटीपी की मदद से। आपको पता होगा अगर आप यहां पर जाओगे तो आपसे ओटीपी मांगा जाता है, बट बिना ओटीपी का किसी का भी फ़ोन का डाटा या फिर बोल लो व्हाट्सएप अपने फोन में चला सकते हो। जी हाँ, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं बिल्कुल जेन्युइन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। और अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। तो मेरे पास दो फोन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा गाइज, यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला जो आप WhatsApp देख रहे हो, इस वाले WhatsApp को मैं इस वाले WhatsApp में लाने वाला हूँ जो कि बिना OTP का। तो यहाँ पर नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, WhatsApp को ओपन करता हूँ। ये हम चला रहे हैं ड्यूअल WhatsApp, क्योंकि पहला वाला WhatsApp में ऑलरेडी मेरा नंबर ऑलरेडी है। तो ये हमारा दूसरा WhatsApp है। तो अगर मैं इस वाले यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर नंबर डालने का ऑप्शन आता है। आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है दोस्त। आपको पता होगा पीसी में क्या होता है, अगर आप चलाना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ता है पीसी में, कि आपको वहां पर जो है क्रोम में आपको वेब ब्राउजर चलाना पड़ता है, वहां पर QR कोड करके आप कर सकते हो। बट वो वाला मेथड यहां पर कैसे काम करेगा, मतलब कि एप्लीकेशन चलाना है आपको क्रोम में, आपको अपना WhatsApp यूज नहीं करना है। मतलब सीधी बात बोलना चाहता हूं मैं कि आपको यहां पर कोई भी OTP की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरा चीज़ यहां पर होने वाला है कि आप डायरेक्ट WhatsApp एप्लीकेशन यूज कर पाओगे, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ WhatsApp एप्लीकेशन। आपको कोई भी क्रोम या कोई ब्राउजर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कॉल पे दूसरे से बात कर पाते हो, आप इसमें भी बातें कर पाओगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो ट्रिक बता रहा हूं उसको आपको सीधा से यहां पर आना है, और यहां पर जो आपको नंबर डालने का ऑप्शन आता है, नंबर आपको नहीं डालना है दोस्त। नंबर नहीं डालना है तो करना क्या है, आपको ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है। लिंक एज अ कंपेनियन डिवाइस का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा QR कोड। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने दोस्त का फ़ोन लेना है या फिर आप अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोन लेना है, किसी का भी फ़ोन ले लो, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है। लिंक का डिवाइस पर क्लिक करके मोबाइल डाटा या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो वहाँ पर कर लेना, मेरा फिंगरप्रिंट्स पीछे है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको सीधा सा स्कैन करना है मात्र, ओके पर क्लिक करोगे, और यहाँ पर मैं देख सकते हो गाइस, यहाँ पर मेरा यहाँ पर मैं सीधा सा स्कैन कर चुका हूँ, देख सकते हो स्कैन कर चुका हूँ, और यहाँ पर हमारा WhatsApp डाटा जो है आ चुका है गाइस। यहाँ पर देखो लॉगिन हो चुका, और ये देखो पूरा डाटा जो है मैं यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लोगे, और सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि OTP तो आएगा नहीं, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका WhatsApp अपने फ़ोन में लॉगिन किया है। और सेम चीज़ देख सकते हो, दोनों फ़ोन में देखने को मिल रहा है। ओके, आप चाहो तो इससे भी चैट कर सकते हो, इससे भी चैट कर सकते हो, मतलब सामने वाला अगर फ़ोन यूज कर रहा है, WhatsApp यूज कर रहा है, तो आप उसके WhatsApp को अपने फ़ोन में यूज कर सकते हो, और सामने वाला क्या क्या हरकतें कर रहा है आप बिल्कुल अपने फ़ोन में देख सकते हो। देखो यार, आसान तरीका है, बट यार सही तरीके से यूज करना। ऐसा नहीं है कि भाई आप WhatsApp ले लो भाई और कुछ गलत चीज़ देख रहे हो यार, तो गलत चीज़ है भाई, ओके ना। तो हाँ, जो चीज़ मैंने आपको बताया इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, आप इस वाले ट्रिक को यूज कर सकते हो, वहाँ पर आपको OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको यह ट्रिक पहले से पता था या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। देखो मैंने आपको क्रोम में करने के तरीका नहीं बताया हूँ, मैं आपको डायरेक्ट WhatsApp खोलने का तरीका बताया हूँ, जहाँ पर आप एप्लीकेशन यूज कर सकती हो। और अगर आपको कोई डर है तो आप इसका नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टली जाकर बंद कर देना। यहाँ पर से नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है, नोटिफिकेशन को आप साइलेंट कर देना, जिससे कि होगा क्या, सामने वाले का आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और जब मर्जी होगी आप खोलकर आप चेकआउट कर सकते हो क्या हरकतें चल रही है WhatsApp के अंदर। ओके, और यहाँ पर आप कॉल वगैरह सब कुछ कर सकते हो, जो आप कर सकते हो तो सब कुछ कर पाओगे। ओके, तो फिलहाल अभी की वीडियो में यही था दोस्तों, और कुछ नहीं। बाकी चैनल पर नहीं होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, टाटा टेक केयर, राधे राधे दोस्त।